Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will start the exercise 6.1 and first question is here fill in the blanks using the correct word given in brackets. First part all circles are concurrent or similar. हाँ कनग्रंट और सिमिलर मैंने आपको बताया था कनकरेंट क्या होते हैं मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कनग्रेंट क्या होते हैं जिसमें सभी एंगल्स इक्वल हो सभी साइड्स इक्वल हो लेकिन सिमिलर में क्या होता है एंगल्स तो इक्वल हो लेकिन उनके जो साइड्स होती है वो प्रपोर्शनेट होती है सो so, अब बात करते हैं ऑल सर्कल्स आर कनग्रंट और सिमिलर सर्कल्स अगर हम लेते हैं तो सर्कल एक छोटा होगा बड़ा भी हो सकता है सर्कल्स ऑल सर्कल्स की बात करिए ना रेडियस नहीं मेंशन किया कि सेम रेडियस के होते हैं क्या अगर सेम रेडियस के बोले ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर तो तो आपका कन्करेंट हो जाएगा क्योंकि वो सेम रेडियस के किया लेकिन इसमें क्या है रेडियस तो इसकी थ्री सेंटीमीटर है इसकी फाइव सेंटीमीटर है तो रेडियस तो अलग अलग है इसकी है ना लेकिन ये सिमिलर है सिमिलर फिगर है सर्कल सर्कल ये दोनों तो क्या होगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर सो we राइट here इज similar नाउ second is all squares आर सिमिलर और कंग्रेंट. सेम एज अगर हम स्क्वेयर्स की बात करें स्क्वेयर्स में सारे एंगल क्या होते हैं 90 90 चाहे वो बड़ा स्क्वेयर हो चाहे वो छोटा स्क्वेयर हो सभी एंगल्स 90 90 होते हैं ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो लेकिन जो साइड है वो अगर यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 4 4 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा बेटा ये टू अपॉन फोर इसके में ये आएगा और इसके अपॉन में ये सब वन अपॉइन रेशो सभी का इक्वल है साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन रेशो इक्वल है और एंगल्स इक्वल है तो क्या हो जाएंगे ये भी सिमिलर अगर सेम सेम साइड्स होती टू टू साइड्स होती तो वो कन्ग्रेंट आप बोलते हैं ना तो ऑल स्क्वेयर्स आर आल्सो सिमिलर समझ आया सिमिलर और कन्ग्रंट में फर्क ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर यस अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है क्या वो सिमिलर होती है आइसोसेल्स कौन सी ट्राएंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है इट मीन्स ये फोर है तो ये भी फोर होगी ये फाइव मान ली हमने और दूसरी आइसोसेल्स ट्रैंगल अगर हम लेते हैं उसमें ये दोनों साइड सिमिलर है इट मीन्स ये सिक्स सिक्स है और ये वाली हमने क्या मान ली सेवन तो अगर हम इनका रेशो देखेंगे फोरअपॉइंट सिक्स फोर अपॉइंट सिक्स ये तो सेम होगा टू अपॉइंट थ्री कट के लेकिन ये फाइव अपॉइंट सेवन ये सेम नहीं होगा तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है लेकिन इसके जंगे अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं इक्विलेटर में सभी साइड्स इक्वल होती है अगर मान लो ये थ्री 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 है और अगर हम दूसरी लेते हैं उसमें तीनों साइड सेवन 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 है तो रेशो तो सभी का सेम होगा ना थ्री अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन सो वी कैन सी ओल्स इक्वीलेटरल ट्राइंगल्स आर सेमिलर सो वी राइट हेयर इक्वी लेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर नाउ फोर्थ वन इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स टू पॉलीगॉन्स है जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स है जैसे अगर एक स्क्वेयर है तो दूसरा भी स्क्वेयर है अगर एक पेंटागोन है तो दूसरा भी पेंटागोन है अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल है क्लियर नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर तो सिमिलर होते हैं बिल्कुल होते हैं इफ़ देअर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। अभी अभी मैंने बताया अगर सिमिलर है दो पॉलीगोन सिमिलर है तो उनके कॉरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और साइड्स क्या होती है प्रपोर्शनल होती है है ना एंगल्स तो इक्वल होंगे सिमिलर के केस में और साइड्स प्रपोर्शनल होगी सो देअर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल

वी कैन राइट अभी अभी हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में वी कैन राइट टू स्क्वेयर्स टू सर्कल्स कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर है सो नाउ नॉन सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होंगे बेटा अगर हम एक सर्कल ले लिया हमने एक स्क्वेयर सर्कल स्क्वेयर मिलकर क्या हो गया वो आपका नॉन सिमिलर हो गया अगर हमने एक स्क्वेयर ले लिया एक रेक्टेंगल ले लिया तो वो क्या हो गया नॉन सिमिलर हो गया बिकॉज उनकी जो साइड का प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं रहेगा है ना सो so, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द वेदर द फॉलोइंग क्वारिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट ये दोनों क्वारिलेटर्स सिमिलर है या नहीं है सो so, क्या देखिए इनके एंगल्स इक्वल है ये 90 डिग्री के एंगल्स है ये 90 डिग्री के एंगल्स नहीं है तो हम एंगल से ही पता चल गया कि ये सिमिलर नहीं है लेकिन इनकी साइड्स का जो रेशियो है ना वो सेम है बिकॉज दिस इज़ अ रोम्बस एंड दिस इज़ अ स्क्र सो 1.5 पॉइंट फाइव अपॉन थ्री डेट इज वन बाय टू सिमिलरली वन पॉइंट फाइव अपॉन थ्री वन पॉइंट फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन थर्टी पॉइंट हट के टेन हो गया ना यहाँ पे फिफ्टीन वन जा फिफ्टी फिफ्टीन टू जा थर्टी कम वन अपॉन टू सो सभी से वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू आ जाएगा साइड तो प्रोपोर्शनेट है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है सो दीज क्वाडिलेटर्स आर नॉट सिमिलर नो ओके तो आज सिक्स पॉइंट वन कंप्लीट हो गई है तो आज सिक्स पॉइंट वन कंप्लीट हो गई है कल सिक्स पॉइंट टू देखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू वेरी मच